हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोलॉजिकल सक्सेशन में जल में प्रारंभ होने वाले सक्सेशन या अनुक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हाइड्रोसियर कहते हैं, हाइड्रोसियर या जल क्रमक कहते हैं। और ये सक्सेशन को समझने के लिए कोई बहुत पुरानी झील या कोई तालाब या पौंड या लेक एक आइडियल प्लेस हो सकती है। और इस प्रकार के जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर बीच में से गहरी और किनारों की तरफ थोड़ी कम गहरी या छिछलेदार होती हैं। तो ऐसी जगहों में जब सक्सेशन शुरू होता है तो वो अपनी विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए, जैसे स्टार्टिंग की अवस्थाएं उनमें सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग प्लांट्स की होती हैं जो वहाँ पायोनियर बनती हैं, और उनसे होता हुआ ये लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो कि एक फॉरेस्ट हो सकता है उसमें ये कल्मिनेट हो जाती हैं या एंड हो जाती हैं। हाइड्रोसियर जो है उसको समझने के लिए हम वो पूरा होने के लिए उसमें कई अवस्थाएं पाई जाती हैं, और ये अवस्थाएं एक सीरियल ऑर्डर में, एक ऑर्डरली प्रोसेस में, एक के बाद एक किसी भी कम्युनिटी में, वाटर बॉडी में आती हैं और फाइनली ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी को बनाती हैं। जो दूसरे तरीके के जो हमारे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन है, हमने पुराने वीडियोस में भी पढ़ा है जो प्रोसेस है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन का, उसी तरीके के सक्सेसिव चेंजेस इसमें होते हैं। और ये चेंजेस यहाँ प्लांट और एनिमल बॉडी में साथ साथ चलते हैं, प्लांट और एनिमल लाइफ में। लेकिन प्लांट में होने वाले जो प्लांट्स में जो होने चेंजेस होते हैं वो हमें थोड़े ऑब्वियसली दिखाई देते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि किसी भी कम्युनिटी में केवल प्लांट्स में ही परिवर्तन आ रहा है या वहाँ की कम्युनिटीज़ में ही परिवर्तन आ रहा है, जबकि जो एनिमल लाइफ है उसमें भी साथ साथ में परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो जल क्रमक है उसको पूरा होने के लिए जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, जो उसके विभिन्न सीयर्स हैं, उनको हम आज पढ़ेंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो सात अवस्थाओं में होके पूरा होता है। इसमें से पहली अवस्था जो है वो फाइटोप्लैंकटन स्टेज कहलाती है। फाइटोप्लैंकटन स्टेज जो है वो पायोनियर कम्युनिटी वाली स्टेज है, और इसमें कुछ फाइटोप्लैंकटन यानी कि जो बहुत छोटे वाले जो पादप होते हैं, जो तैरने वाले पौधे होते हैं, वो पाए जाते हैं, जैसे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी, डायटम्स, बैक्टीरिया। दे आर दी फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज दी प्रिमिटिव मीडियम ऑफ पॉन्ड। वॉट इज़ प्रिमिटिव मीडियम ऑफ पॉन्ड मीन्स एक्सेस ऑफ वाटर इज़ देयर, द सॉइल इज वेरी मच रिड्यूस्ड विद पीएच वैल्यू इज नॉट मोर देन 5, मीन्स वेरी एसिडिक एनवायरमेंट। सो दे ग्रो इन दिस टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन। और इसमें हम ये जो पायनियर प्लांट्स हैं हाइड्रोसियर के, वो कॉलोनियल एल्गी हो सकती हैं, डायटम्स हो सकती हैं, क्लोरोफाइसी या ऐसे जल की सतह पे उगने वाले बहुत छोटे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हो सकते हैं। दूसरी जो अवस्था है, सेकंड स्टेज, क्योंकि जब पायनियर प्लांट्स वहाँ एस्टेब्लिश हो जाते हैं माइग्रेट होके, तो ये वहाँ के वातावरण को थोड़ा चेंज करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाई जाती है इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी के होने से, और ये वहाँ के एनवायरनमेंट में थोड़ा चेंज लाते हैं, और इन परिवर्तनों की वजह से वहाँ अब अगली जो स्टेज वाले पौधे हैं वो उस जगह पे स्थापित हो जाते हैं, और पायोनियर प्लांट को वहाँ से कुछ और गहरी पानी की तरफ विस्थापित होना पड़ता है। तो सेकंड स्टेज जो हाइड्रोसियर में आती है, दैट इज़ रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज या सबमर्ज्ड प्लांट की स्टेज है। जो निमग्न पौधे होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं, वो यहाँ पे सबसे पहले स्थापित हो जाते हैं। जैसे कुछ एल्गी के जो स्पोर्स हैं वो कई माध्यमों से उड़ के, एयर से और कई से माइग्रेट होके
इसमें गहराई में पहुंच जाते हैं और जर्मिनेट होके ये एल्गल कॉलोनीज बना लेते हैं, और कुछ समय बाद वहाँ पे एक एल्गी का जाल सा बिछ जाता है जो सबमर्स्ड स्टेज में छोटे वाले सिंपल प्लांट्स होते हैं। ये समर स्टेज का जो डेवलपमेंट होता है वो जो फाइटोप्लैंकटन स्टेज के पौधे होते हैं, जो प्लांट्स थे एल्गी और डायटम्स वगैरह, उनकी डेथ और डिकम्पोजिशन इसमें मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो है वो आफ्टर देयर डेथ एंड डिकम्पोजिशन दे मिक्स विद द सिल्ट, सिल्ट इज ब्रॉट फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड बाय रेन वाटर्स एंड बाय वेव एक्शन ऑफ द पॉन्ड वाटर। सो द एक्शंस मीन्स वेव एक्शन जो है पॉन्ड का वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगली स्पीशीज़ के प्लांट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इन पॉन्ड एक्शन सॉरी वेव एक्शन जो है उसकी वजह से यहाँ एक टाइप की बहुत सॉफ्ट मड जो है वो मतलब एक धरातल जो है सॉफ्ट मडी बॉटम वो पॉन्ड के बॉटम में बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये नई हैबिटेट जो है वो थोड़ी सी कम मतलब गहरी होती है, थोड़ी सी शैलो इन कंपैरिजन टू फाइटोप्लैंकटन स्टेज, थोड़ा कम शैलोअर जगह में ये आने लगती हैं, और जहाँ पे लाइट का पेनिट्रेशन जो है वो थोड़ा सा आसानी से हो जाता है क्योंकि नीचे धरातल है तो वो उसकी ऊंचाई बढ़ा रहा है पॉन्ड की, तो यहाँ पे लाइट का पेनिट्रेशन जो है वो भी थोड़ा सा हो जाता है, और इसकी वजह से यहाँ जो रूटेड सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट्स हैं जैसे इलोडिया है या हाइड्रिला, पोटेमोजिटोन, वेलिसनेरिया, यूट्रिकुलेरिया, इस तरीके के पौधे वहाँ एस्टेब्लिश होना स्टार्ट कर देते हैं। ये प्लांट्स जो हैं वो सबस्ट्रेटम को बनाते हैं, जब इनकी डेथ होती है, डेथ के बाद डिके होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो यहाँ एक प्रिमिटिव टाइप का सबस्ट्रेटम बनने लग जाता है, और ये प्रिमिटिव टाइप का सबस्ट्रेटम के बनने से जो वाटर लेवल है उसकी गहराई कम होती चली जाती है, और ये जो है पॉन्ड को थोड़ा छिछला बनने की तरफ प्रोसेस चलता है। इनिशियल लेवल पे पॉन्ड की गहराई ज़्यादा होती है, और जब रूटेड सबमर्स्ड स्टेज का अंत होने वाला होता है तो वहाँ थोड़ा सा जो पानी है वो शैलो होने लगता है, और ये नई जो हैबिटेट है वो अब ये जो हैबिटेट है सबमर्स प्लांट की ये वहाँ से रिप्लेस होने लग जाती है, और ये एक दूसरे तरीके के पौधों को रास्ता दे देती है, जगह दे देती है एस्टेब्लिश होने के लिए, जो कि ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फ्लोटिंग लीव्स पाई जाती है। तो जो अगली स्टेज के स्टेज है हाइड्रोसियर की, दैट इज़ नोन एज फ्री फ्लोटिंग स्टेज, और फ्लोटिंग स्टेज के पौधे या समर्स फ्री फ्लोटिंग स्टेज के पौधे कहलाते हैं। तीसरी स्टेज में जो वाटर डेप्थ है वो लगभग 2 से 5 फीट की रह जाती है, और ये जो प्लांट्स हैं वो उस हैबिटेट को कॉलोनाइज करना शुरू कर देते हैं अपने प्रिमिटिव टाइप के राइजोम्स के द्वारा, और ये जो है रूटेड हाइड्रोफाइट्स होते हैं, और इनकी पत्तियां जो हैं वो बड़ी होती हैं जो कि वाटर सरफेस पे तैरती रहती हैं। इनमें हम एग्जांपल ले सकते हैं निम्फिया, निलंबो और ट्रापा, मोनोकोरिया, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो सबसे पहले यहाँ पर स्थापित होते हैं। कुछ फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज़ जैसे एजोला, लैमना, वुल्फिया, ये प्लांट्स भी वहाँ पे इस स्टेज में दिखाई देते हैं अलोंग विद पिस्टिया एंड सैल्विनिया, वो भी जो रूटेड प्लांट्स हैं उनके साथ में एसोसिएशन के साथ में ये दिखाई देते हैं। और क्योंकि सॉल्ट्स और दूसरे मिनरल्स की अबंडेंस या अवेलेबिलिटी हो जाती है इस स्टेज तक आते आते, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप का सबस्ट्रेटम बन जाता है, और जो पिछली अवस्था के पौधे होते हैं उनका डेथ एंड डिके के बाद में वो मिनरल कंटेंट भी सबस्ट्रेटम में बढ़ोतरी करता है, मात्रा उसकी भी ज़्यादा हो जाती है, तो ये उस पॉन्ड को और ज़्यादा शैलो बनाते हैं, छिछला बना देते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है, जिसमें
ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है डेथ की प्लांट के कारण, और ये जो सबस्ट्रेटम है वो और ज़्यादा एनरिच होता चला जाता है, या वो थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है, और इसलिए ऐसी कंडीशन में जो फ्लोटिंग स्पीशीज़ हैं वो धीरे धीरे उस जगह से डिसअपियर होने लगती हैं, और इसकी जगह वो दूसरे नए पौधों को स्थान दे देती है सेम प्लेस पे, जिसको हम जिस अवस्था को हम रीड स्वैम्प स्टेज कहते हैं। तो फोर्थ स्टेज इन दी हाइड्रोसियर इज रीड स्वैम्प स्टेज। व्हाट इज रीड स्वैम्प स्टेज? रीड स्वैम्प स्टेज इज एन एम्फीबियस स्टेज। इस अवस्था में जो रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं ऐसे प्लांट से जो सक्सेसफुली पानी में और एरियल एनवायरनमेंट में दोनों जगह पे अच्छी तरीके से रह सकते हैं। एम्फीबियस, जैसे हम जानते हैं एम्फीबियंस जल और थल दोनों में आराम से रह सकते हैं, तो प्लांट्स में जो एम्फीबियन प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, जैसे सिरपस है या टाइफा, सेजिटेरिया, फ्रेगमाइटिस, ये जो प्लांट्स हैं ये इस जगह पे आते हैं और ये यहाँ के मुख्य, मतलब इस स्टेज के ये मुख्य पौधे हो जाते हैं। टाइफा इंक्लूडिंग टाइफा विच इज़ इम्पॉर्टेंट प्लांट ऑफ दिस स्टेज, एंड दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड राइजोम्स एंड दे फॉर्म ए वेरी डेंस वेजिटेशन इन द पॉन्ड। The water level of the pond is by now it's very much reduced and finally it becomes unsuitable for the growth of these amphibious plants. Jo process saath saath mein chal raha hai, addition of minerals to the substratum and death and decay of the existing community. Aur ye community is tarike se apni activities ke karan, ye एलोजेनिक सक्सेशन का एक एग्जांपल है हाइड्रोसियर, जिसमें अपनी एक्टिविटीज़ के कारण ये बदले हुए वातावरण में अनुकूल नहीं रह पाती और इनको उस जगह से हटना होता है और इनकी जगह दूसरे पौधे आ जाते हैं। इसी अवस्था में हाइड्रोसियर की जो अगली स्टेज है दैट इज़ सेज मीडो स्टेज और मार्श मीडो स्टेज। जो सक्सेसिव डिक्रीज़ हो रहा है वाटर लेवल में और जो सबस्ट्रेटम में चेंजेस हो रहे हैं, तो स्पीशीज़ ऑफ ऐसे समय में कुछ साइपरेसी और ग्रैमिनी की स्पीशीज़ भी यहाँ पे एस्टेब्लिश होना प्रारंभ कर देती हैं, जैसे कैरेक्स, जंकस, साइपरस एंड इलियोकैरिस, दे कॉलोनाइज दी न्यूली फॉर्म्ड एरिया। दे फॉर्म ए मैट लाइक वेजिटेशन टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द पॉन्ड with the help of their branched rhizomatous system. As a result of high transpiration, जब substratum बन जाता है और वहाँ plant establish हो जाते हैं, higher plants establish होना start कर देते हैं ग्रैमिनी और साइपरेसी family के, तो इस समय जो उनका राइजोम वाला part है, rhizomatous जो system develop हो गया है, वो substratum से mineral absorption करता है और बदले में ऊपर उनके लीव से ट्रांसपिरेशन जो है वो भी बहुत हाई रेट में होने लग जाता है। तो यहाँ इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत जो पानी का नुकसान है, मतलब रैपिड लॉस ऑफ वाटर, वो प्लांट से होता है और आगे पीछे चल के ये जो सॉइल है वो एयर की तरफ एक्सपोज हो जाती है, मतलब पानी की कमी होने लगती है और जो ज़मीन है, जो धरातल है, वो दिखाई देने लगता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे अमोनिया है, सल्फाइड्स हैं, वो नाइट्रेट्स या सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ये जो कंडीशन है वो हाइड्रोफिटिक कंडीशन से मेसोफिटिक कंडीशन की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो एरिया है वो मेसोफिटिक होता जा रहा है और जो मार्शी वेजिटेशन है वो डिसअपियर होके नॉर्मल रूटेड जो मेसोफिटिक प्लांट्स हैं वो वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं। तो इन जो अगली स्टेज आती है इस समय दैट इज़ वुडलैंड स्टेज और दी श्रब स्टेज। श्रब मीन्स छोटे प्लांट्स जो नॉर्मल प्लांट्स हैं वो यहाँ आ जाते हैं और इसको हम वुडलैंड स्टेज के नाम से भी जानते हैं।
जो ह्यूमिड क्लाइमेट हो रही है, क्योंकि जो अर्लियर एनवायरनमेंट था हाइड्रोस्फीयर का वो जलीय था, ह्यूमिड एनवायरनमेंट था, तो जो हाइड्रोस्फीयर है उसका जो अगला पार्ट है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का हो जाता है, और इसके बाद वहाँ पे जो वुडी प्रवृत्ति वाले पौधे हैं जैसे झाड़ियाँ या वृक्ष हैं वो वाटर लॉगिंग को नहीं झेलते, वो दूसरी स्थिति को सहन करने की शक्ति रखते हैं, वाटर लॉगिंग की स्थिति को भी सहन कर सकते हैं और वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन को भी में भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स वहाँ पे आ जाते हैं, और ऐसे प्लांट्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे पॉपुलस है, एलनस, सेलिक्स और कॉर्नस जैसी श्रब्स आ जाती हैं, और पॉपुलस और एलनस जैसे ट्रीज आ जाते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, और इनका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता क्योंकि जो सबस्ट्रेटम है उसमें ऑलरेडी ह्यूमस और वाटर की क्वांटिटी काफ़ी होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, इसलिए ऐसे प्लांट्स, श्रब्स और ट्रीज़ वहाँ पे आते हैं जिनका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता। और क्योंकि ये इस तरीके से क्या होता है, मिनरलाइजेशन ऑफ द सॉइल दिस फेवर्स द अराइवल ऑफ न्यू ट्री स्पीशीज़। जब सॉइल जो है वो एनरिच होती चली जाती है तो यहाँ पे अगली अवस्था के पौधे, जब ये अवस्था यहाँ से जाएगी और वो वातावरण को थोड़ा और बदल देगी, एडैफिक कंडीशन में चेंजेस लाएगी, तो वहाँ दूसरे तरीके के प्लांट्स आ जाते हैं जो कि फॉरेस्ट स्टेज या हाइड्रोसियर की क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है, क्योंकि ये जो इसके पहले वाले जैसे जो वुडलैंड स्टेज के पौधे हैं वो जो सबस्ट्रेट जो हैबिटेट है वहाँ की, वहाँ पे एक तो शेड कर देते हैं, छाया कर देते हैं, और दूसरा इनमें जो ट्रांसपोरेशन की रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे जो सॉइल है उसमें ड्राइनेस बढ़ती जाती है, और इसके साथ ही जो ज़मीन है उसमें भी अधिक ह्यूमस एकत्रित हो जाता है, और ये कई प्रकार के माइक्रोब्स भी सॉइल फॉर्मेशन के साथ साथ में मिनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं, और इसलिए अब ये धीरे धीरे ये वाली जो हैबिटेट है वुडलैंड स्टेज वाली वो जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन है उसमें परिवर्तित हो जाती है, और ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए ये अनुकूल हो जाती है। तो लास्ट स्टेज जो हाइड्रोसेयर की है वो कहलाती है फॉरेस्ट स्टेज। फॉरेस्ट स्टेज इज़ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑफ द हाइड्रोसियर। द वुडलैंड कम्युनिटी इज़ रैपिडली इन्वेडेड बाय सेवरल ट्रीज इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हैवी रेनफॉल। जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, जबकि टेम्परेट रीजन में मिक्स्ड फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, जो एलनस, एसर, कर्कस, इस टाइप के पौधे डेवलप होते हैं। इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल जहाँ पे ऑप्टिमम रेनफॉल होती है वहाँ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या मानसून फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हाइड्रोसियर में जो स्टेजेस हैं, पहली स्टेज से लेके सेवन्थ स्टेज जो है, पहली स्टेज पायनियर कम्युनिटी की है और सेवन्थ स्टेज क्लाइमेक्स कम्युनिटी की है, और बीच वाली जो 2 से 6 जो स्टेजेस हैं दे आर नोन एज सीरल स्टेजेस। तो इस तरीके से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी कम्युनिटी हाइड्रोसियर में ग्रो कर रही है वो कम्युनिटी किस तरीके से वातावरण को बदल रही है, और किस तरीके से नई नई स्टेजेस के प्लांट्स, डिफरेंट स्टेजेस के प्लांट्स वहाँ पे आते हैं, और हाइड्रोसियर को फाइटोप्लैंक्टन से शुरू हुआ हुआ जलक्रमक अल्टीमेटली फॉरेस्ट स्टेज में क्लाइमेक्स कम्युनिटी में चेंज हो जाता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।